देवरिया से भाजपा सांसद रमापति राम त्रिपाठी के पुत्र व संत कबीर नगर के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी की असामयिक मौत पर रविवार को शोक संवेदना व्यक्त करने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत त्रिपाठी, खजनी की नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अंशु सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने खजनी क्षेत्र स्थित सांसद रमापति राम त्रिपाठी के आवास झुडीला पहुंचे और शोक संतृप्त परिवार को ढांढस बंधाया और पूर्व सांसद स्वर्गीय शरद त्रिपाठी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सांसद रमापति राम त्रिपाठी, सहजनवा के विधायक शीतल पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि 30 जून को देर रात गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में संत कबीर नगर के पूर्व सांसद बीजेपी नेता शरद त्रिपाठी का निधन हो गया था। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से वो लीवर संबंधी किसी बीमारी से परेशान थे। पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और देवरिया से बीजेपी सांसद रमापति राम त्रिपाठी के पुत्र थे। पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी की मौत पर केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री और सांसद विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने शोक व्यक्त किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि शरद त्रिपाठी की मौत देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपूर्णीय क्षति है। उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। देखो आगे बढ़ जा रहे हैं। एक गनर साहब बिल्कुल पीछे बढ़ाइए, देखो धक्का मारेंगे। चलिए चलिए पीछे, चलिए पीछे दौड़ साहब, पर धकिया ही पीछे। प्रणाम त्रिपुरा की कर्म सदस्य पिछड़ा वर्ग आई आए आए भैया नित्य भाई साहब।
आदित्य ऐसा थोड़ा सा जगह बना लीजिए अभी किनारे को कितने लोगों में से भैया के नाम से ये सड़क हो गई तो जयकारा किसका लगाएंगे।